संदेश बहुत साफ है। अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने दिल्ली में बहुत शानदार काम किए ने, उन्होंने कामों तो परेशान होकर बीजेपी ने किड़े किड़े षडयंत्र रचे कामों रोकने वास्ते, किस तरीके देश की पार्लीमेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस लेके आए, अफसरों के पिछे छुप के राजनीति की, काम रोकने वास्ते इस चीज़ को लोगों के लैके जाना। तो मैंने पूरा भरोसा है कि 2015 से बीजेपी की 70 चो 3 सीटा आ गई सी, बीच भी 8 आ गई सी, पर हुण जिहड़े चोण होने वाले ने देश के लोग खास तौर पर दिल्ली के लोग तानाशाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते। 70 की 70 सीटा जित के आप इस बार सरकार बनावे तो केजरीवाल साहब न चौथी बार मुख्यमंत्री बनावा। पंजाब में पंचायत सुनाए हुए हैं लेकिन उन चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस आरोप लगा रही कि धक्केशाही है आम आदमी पार्टी की। देखो उन्होंने पंजाब के लोगों ने बहुत समझदारी फैसला लिया तो बीजेपी ने भी उन्हों का अंजाम विखाया, तो कांग्रेस ने जो धक्का किया, जो कांग्रेस राज वादा खिलाफियां हुई वो पंजाब के लोग अजे तक भुले नहीं, उसका भी अंजाम उन्होंने दिखाया। तो पंजाब के लोगों को भावें कितने के भी लोग होने उन्होंने काम चाहिए। मैंने इस गल की बहुत तसल्ली है कि आम आदमी पार्टी ने चोणा लड़ते वेले जो वादे पंजाबियों नाल कीते सी, पंजाब के लोगों नाल कीते सी, एक एक करके वो सारे वादे पूरे हो रहे हैं। तुसीं स्कूलों के हालात वेख सकते हो बदलते हुए, तुसीं रोजगार आए दिन नियुक्ति पत्र वंडे जाते हैं सरकार वालों वो वेख सकते हो, एक एक करके जिन्हें वादे किए सारे पूरे हो रहे हैं, लोगों को यह काम ही चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव के साथ साथ अब इलेक्शन भी चार डिक्लेयर हो गए हैं, किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की रूपरेखा रहेगी क्योंकि आप पंजाब के प्रभारी भी? बिल्कुल आम आदमी पार्टी पूरी तरह कमर कस के तैयार है, तो मुझे लगता है चंगे मार्जिन आप चारों सीटा जीतेंगे। क्या नए लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, किस तरीके के? क्या देखो प्रोसीजर चल रहे हैं, बहुत छेती होने चुनाव की डेट भी क्योंकि डिक्लेयर हो गई है, बहुत छेती उम्मीदवार भी सामने हो गए, नतीजे भी सामने होंगे।